क्लास 11 बेटा क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द चैप्टर कैश बुक की सिंगल कॉलम कैश बुक वी आर डूइंग द फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज वी हैव टू प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल ऑफ मिस्टर विकास ऑफ ऑन 1st अप्रैल 2017 द बैलेंस फ्रॉम लास्ट मंथ रुपीज 2,50,000 ऑन 1st अप्रैल 2017 लास्ट मंथ का बैलेंस आपको दिया हुआ है इट मींस इट इज द ओपनिंग बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल क्लियर देन टू बैलेंस ड्रॉ डाउन 2,50,000 बैलेंस इज गिवन क्लियर सेकंड ट्रांजैक्शन इज ऑन 2nd अप्रैल डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 75,000 बट अ कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक देन व्हाट विल बी द एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश क्लियर कैश अकाउंट क्रेडिट क्लियर तो वी विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश अकाउंट ऑन 2nd अप्रैल एंड बैंक अकाउंट डेबिट देन बाय बैंक अकाउंट हाउ मच अमाउंट डिपॉजिट इन द बैंक 75,000 क्लियर बैंक अकाउंट इज डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में यहाँ बैंक और कैश डिफरेंट होंगे क्लियर तो हम बाय बैंक अकाउंट वहां रिकॉर्ड करेंगे एक्चुअल हमें कैश यहाँ देखना है तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस व्हेन द कैश डिपॉजिट इन द बैंक क्लियर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन 5th अप्रैल परचेज गोल्स रुपीज 40,000 व्हेन अ बिजनेसमैन परचेज गोल्स देन परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश क्लियर तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय परचेजेस अकाउंट और कितना अमाउंट 40,000 बी एक्टिव ओके नेक्स्ट इज ऑन 6th अप्रैल गुड्स परचेज फ्रॉम रमेश रुपीज 30,000 इट इज कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेज क्रेडिट परचेज क्लियर ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे नहीं होगी नेक्स्ट इज ऑन 10 परचेज फर्नीचर फॉर कैश बताइए परचेज फर्नीचर फॉर कैश रुपीज 25,000 ऑन 10 मार्च बाय फर्नीचर अकाउंट कैन यू बी इट फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है देन वी विल रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड बाय फर्नीचर अकाउंट हाउ मच अमाउंट 25,000 रुपीज नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज लोन गिवन टू चरणदास चरणदास को लोन दिया गया है अब देखिए बेटा लोन देते हैं तो कैश कम्स इन और गोज आउट इट मींस लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्लियर कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है देन बाय लोन अकाउंट कितने अमाउंट का लोन दिया गया है 20,000 और डेट क्या रहेगी 11 नेक्स्ट इज पेड टू रमेश रमेश को पे किया 28,500 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड अब देखिए बेटा रमेश को पे किया रमेश को क्या किया था गुड्स परचेज किया था ऊपर रमेश ने कितने अमाउंट का 30,000 का क्लियर अब उसे कैश पेमेंट किया है देन रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड देखिए 28,500 पेमेंट करके 1,500 का डिस्काउंट इसका मतलब रमेश को कितना पे करना था गुड्स परचेज किया था रमेश से 30,000 रुपये का तो 30 के बदले में 28,500 रुपये पे किए और बाकी छूट मिली है 1,500 की क्लियर हमें किस बुक में रिकॉर्ड करना है ओनली कैश बुक में क्लियर तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम लिखेंगे 12 मार्च को बाय कौन है रमेश बाय रमेश और अमाउंट आएगा बेटा जो कैश के सामने है 28,500 जितने कैश हमारे बिजनेस से कम हुई है वो अमाउंट रिकॉर्ड किया जाएगा ये नहीं है हमने बाय रमेश लिखा है तो रमेश के सामने 30,000 है तो हम 30,000 रिकॉर्ड करेंगे ऐसा नहीं होगा जितने से कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है उतना ही अमाउंट हुआ जाएगा क्लियर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ऑन 14th इशू चेक टू अ क्रेडिटर क्रेडिटर को चेक इशू किया है बेटा क्रेडिटर को चेक इशू किया क्या कैश के
चेक देते हो, आपके बिजनेस की कैश अफेक्ट होती है। यस उसका बैंक में से इशू होगा तो क्या हमारी बैंक में से कैश तो कम होती है बेटा, वो बैंक बैलेंस कम होगा वो अलग मैटर है, ठीक है, बीआरएस से बाहर आ जाइए, वो अलग मैटर है, वो जो कैश कम होती है वो बैंक बैलेंस कम होता है, क्लियर। हम यहाँ बात कर रहे हैं जो बिजनेस के पास कैश अवेलेबल है उसकी बात चल रही है, क्लियर। तो कितना क्या किसी को चेक देने से कैश अफेक्ट होती है, किसी को कोई इफेक्ट नहीं होती, क्लियर। तो ये ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट वन इज 15 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश, विष्णु को नगद माल बेचा, तो 15 अप्रैल को टू विष्णु टू सेल्स आ जाएगा। क्या ट्रांजेक्शन होती है नगद माल बेचने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर। तो कैश अकाउंट पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, और कितने का नगद माल बेचा है, 36,000, क्लियर। नेक्स्ट इज कैश सेल्स ऑफ रुपीज 1,20,000 ऑफ विच बैंक ऑन 20th अप्रैल 1,00,000 रुपए, नगद माल बेचा 1,20,000 रुपए का और 20 तारीख को बैंक में जमा कराए हैं 1,00,000 रुपए। हम तो 16 तारीख पे है ना, 16 डेट पे है बेटा, हम हमें 20 से अभी कोई मतलब नहीं है कि 20 को उसको बैंक में भेजा गया है, वो बाद में करेंगे जब 20th डेट आएगी। हम 16 डेट पे रिकॉर्ड करेंगे कि नगद माल बेचा है, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट है और टू सेल्स अकाउंट आएगा, कितने का माल बेचा, बदले 20,000 का माल बेचा गया, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बेटा आपकी 22nd को, तो 22nd से पहले 20th वाली ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। 20th को 1,00,000 रुपए बैंक में जमा कराए, अब बैंक में जमा कराते हैं तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है 1,00,000 से, तो क्रेडिट साइड में 20th अप्रैल को, अप्रैल आएगा हम समझेंगे, बाय बैंक अकाउंट कितना जमा करा दिया 1,00,000 रुपए। अब देखिए अल्टीमेटली 1,20,000 का नगद माल बेचा था तो कैश आई 1,20,000, उसमें से 1,00,000 चली गई क्योंकि बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो कैश कितना रहा बिजनेसमैन के पास यहाँ से 20,000, क्लियर। नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम गंगाराम, गंगाराम से 19,600 मिले और डिस्काउंट अलाउड 400। देखिए बेटा गंगाराम कौन था, जो भी था, ऊपर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है उससे रिलेटेड, मीन्स कैश मिली है गंगाराम से, देन कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू गंगाराम, ठीक है। कैश मिली 19,600, 400 का डिस्काउंट और टोटल गंगाराम से कितने मिलने चाहिए थे, 20,000। कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेंगे 22nd अप्रैल को टू गंगाराम, कितना मिला 19,600 रुपीज मिला, ठीक है। जितना कैश डेबिट हुआ है उतना ही उसके डेबिट अकाउंट में डालेंगे, क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज विड्रो कैश फ्रॉम बैंक, अब कैश बैंक से निकलवाई गई है 25,000 रुपीज की ऑन 24th डेट। अब कैश जब विड्रॉ करते हैं तो बेटा क्या ट्रांजेक्शन होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये ट्रांजेक्शन होती है जब कैश बैंक से निकाली जाती है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। 24 अप्रैल को है ये हमारे, कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में दूसरे अकाउंट का नाम आएगा जो उसके साथ, क्रेडिट हुआ है टू बैंक अकाउंट, कितनी कैश आई है 25,000, अब बैंक से विड्रॉ की है तो कैश बैलेंस बढ़ गया है, क्लियर। नेक्स्ट इज परचेज पोस्टल स्टैम्प खरीदी गई है 25 को, अब देखो बेटा पोस्टल स्टैम्प्स किस हेड के अंदर आती है, पोस्टेज के अंदर आती है। आप एनवलप खरीदते हो, आप कोई स्टैम्प खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो पोस्टेज से रिलेटेड, तो वो पोस्टेज में आती है, तो यहाँ पे एंट्री हुई होती है पोस्टेज डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो क्रेडिट साइड में बाय पोस्टेज, कितने का सामान खरीदा, 1,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज
पेड सैलरी पेड टू अकाउंटेंट ऑन 28 को सैलरी पे की गई है तो क्या लिखेंगे बाय सैलरी, ठीक है। सैलरी टू कैश होता है 12,000 रुपीस अकाउंटेंट को सैलरी पे की है बाय सैलरी। ऑन 29 पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर के लिए पे किए हैं, ठीक है। तो बाय रिपेयर अकाउंट आता है या फर्नीचर अकाउंट आएगा, कौन सा अकाउंट आएगा? फर्नीचर अकाउंट कब डालते हैं रिपेयर्स के टाइम पे, रिपेयर कराइए और हम फर्नीचर अकाउंट डाले ऐसा कब कर देंगे? मान लो बेटा कोई फर्नीचर सेकंड हैंड फर्नीचर परचेज किया है और उसको लाते ही उसके ऊपर रिपेयरिंग पे खर्च किया गया है तो वो सब कुछ कहाँ डेबिट होता है? फर्नीचर अकाउंट में डेबिट हुआ है। अभी आपको क्या बोला गया कि फर्नीचर की रिपेयरिंग की, इट मीन्स ऑलरेडी वो फर्नीचर बिजनेस में यूज हो रहा था उसकी रिपेयरिंग की है तो बाय रिपेयर्स अकाउंट 15 का, क्लियर। सभी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी हैं, उसके बाद टोटल करेंगे। क्रेडिट का टोटल डेबिट का टोटल कीजिए, उसमें से क्रेडिट का टोटल लेस कीजिए और आप क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी कर लो भाई, टोटल बैलेंसिंग कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था।